मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो यहाँ पे चैप्टर स्टडी करने वाले हैं वो हिज फर्स्ट फ्लाइट का पार्ट टू हमने लिया है, क्लास 10 CBSE। तो यहाँ पे हम रेस्ट पार्ट हमने जब लास्ट टाइम फिनिश किया था उसके आगे हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो ही कुड से हम स्टार्ट करने वाले, ठीक है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, द विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। तो वह जो अब जो यंग सीगल था, जो ड्रॉप करने वाला था अपने आप को, तो उसने उसमें क्या था कि जैसे ही जैसे वो गिरा तो उसने क्या किया, उसने उड़ना स्टार्ट किया। थोड़ा सा उसको एयर फील हो रही थी अब, तो अब क्या हो रहा था, ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। हवा को काटते हुए जो उसके पंख जो टकरा रहे थे उसको वो फील कर रहा था। He was not falling headlong now. अब वो सर के बल नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downward and outward. वो धीरे धीरे उड़ रहा था, कभी नीचे कभी ऊपर। He was no longer afraid. अब वो उतना डरा हुआ नहीं था। He just felt a bit dizzy. वो थोड़ा सा सुस्त महसूस कर रहा था। Then he flapped his wings once and he soared upward. फिर उसने क्या किया, अपने पंखों को फड़फड़ाया और आगे की तरफ बढ़ा। गा 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 कोल आ, इस प्रकार से साउंड करते हुए। हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ जो थी इस प्रकार के शब्द बोलते हुए या करते हुए उसके ऊपर से क्रॉस हुई, ठीक है, उसको उसने क्रॉस कर लिया। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और जब उसकी माँ निकल रही थी उसके ऊपर से तो उसके जो पंख थे उसकी माँ के वो काफ़ी तेज आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने उसकी माँ को एक दूसरी चीख के साथ आंसर दिया। देन हिज फादर ब्लू ओवर हिम, अब फिर उसके ऊपर उसके पापा भी उड़ने लगे स्क्रीमिंग करते हुए, चीखते हुए। ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने देखा उसके दो भाई और उसकी जो बहन है वो सब चारों के चारों क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे। करवेटिंग, करवेटिंग होता है कर्व की तरह, जैसे इसमें जो दे रखा है लीपिंग लाइक अ हॉर्स, एक प्रकार से करवेटिंग ये होता है स्टूडेंट के जो होता है, जैसे हम यू करते हैं फिर यू करते हैं फिर यू करते हैं, उस कंडीशन को कर्वेटिंग बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक और वर्ड आया है कर्वेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग। तो कर्वेटिंग करते हुए उड़ रहे थे वो, बैंकिंग करते हुए उड़ रहे थे, सोरिंग मतलब ऊपर जाना फिर नीचे आना, डाइविंग मतलब नीचे आना, कभी ऊपर जा रहे थे कभी नीचे आ रहे थे, इस प्रकार से वो उड़ रहे थे उसके दोनों भाई और जो सिस्टर थी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हमारे लिए नोटिस करने वाली ज़रूर है, ठीक है। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोट एंड कर्व एंड श्रीकिंग श्रीली। यहाँ पे एक वर्ड आया था बैंकिंग, इट मीन्स फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर। अब आप जानते हो कि बर्ड्स के दो पंख होते हैं, तो वो उस कंडीशन में आपने देखा होगा कि जब वो ऊंचा उड़ते हैं तो एक पंख थोड़ा ऊपर रहेगा एक पंख थोड़ा नीचे रहेगा, उस कंडीशन को हम यहाँ क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, उस कंडीशन को हम कहेंगे बैंकिंग, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें इस चीज़ को। ही वॉज नी, तो तब क्या होता है, ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, वो बिल्कुल भूल गया था दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वो बिल्कुल भी उड़ने के लिए सक्षम नहीं था, इस बात को बिल्कुल भूल गया था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, और वो अपनी ही तारीफ कर रहा था, टू डाइव एंड सोर एंड कर्व, अपनी डाइविंग को लेकर के, अपने सोर आगे बढ़ने को लेकर के एंड कर्व करने को लेकर के, और इस प्रकार वो जोर जोर से एक तीखी आवाज में चीख रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो बिल्कुल समुद्र के पास था, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, बिल्कुल इसके ऊपर चल उड़ रहा था, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और ऐसा समुद्र को या सागर को बिल्कुल सामने फेस कर रहा था। ही सो अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, वह अपने नीचे एक बहुत ही विस्तृत हरा समुद्र देखता है। विद अ लिटिल रिजेज मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड काउड अम्यूजली, विद लिटिल रिजेज मूविंग ओवर इट, फिर वो क्या करता है, अपनी जो बीक हो उसको टर्न करता है और साइड में टर्न करके अपनी साउंड को एक अम्यूजली, एक बहुत ही मस्त होकर के अपनी साउंड प्रोड्यूस करता है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। अब क्या होता है स्टूडेंट, उसके मम्मी पापा, उसका भाई, उसके भाई और जो बहन है
उन्होंने क्या किया, लैंडिंग कर लिया, वो खुद उस समुद्र के ऊपर उतर गए जो बिल्कुल ग्रीन फ्लोर वाला था, हरा था। देवर बैकनिंग टू हिम, अब वो उसको भी बुला रहे थे, बैकनिंग होता है कॉलिंग, ठीक है, वैसे भी बुला रहे थे, कॉलिंग श्रीली जोर से आवाज़ करते हुए। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपना एक उसने अपने पैरों को समुद्र पर बिल्कुल स्टैंड खड़े रहने के लिए अपना पैर नीचे किया, लेकिन क्या होता है, हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसका जो लेग्स हैं अब उसमें क्या हो गए, वो डूब गए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, अब वो डर के मारे दोबारा चीखता है, एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन, और दोबारा ऊपर उठने की कोशिश करता है, अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, दोबारा अपने पंखों को फड़फड़ाता है। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, लेकिन अब वो क्या हो चुका था, टायर्ड हो चुका था, थक चुका था, वीक कमज़ोर हो चुका था, विद हंगर भूख के साथ, एंड ही कुड नॉट राइज, अब वो ज़्यादा अब दोबारा उड़ नहीं सकता था, क्यों, बिकॉज एग्जॉस्टेड, क्योंकि वो अब क्या हो गया था, थक गया था बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, उस स्ट्रेंज एक्सरसाइज के द्वारा जो उसने भी उड़ने की जो प्रोसेसिंग करी उसके द्वारा वो थक गया था, ठीक है। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो दो पैर थे अब क्या हो चुके थे, डूब गए थे उस हरे समुद्र में, एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और उसका जो पेट था, बेली जो थी, वो पानी को टच कर रहा था, एंड ही सैंक नो फर्दर, अब इसके आगे वो नहीं डूबता है, ठीक है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उस पर तैर रहा था, एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों ओर उसके जो परिवार था वो चीख रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी जो चोंच थी उन सब वो सभी उसको डॉग फिश के स्क्रैप्स टुकड़े ऑफर कर रहे थे, खिला रहे थे। तो ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो उसने अपनी पहली उड़ान को इस प्रकार से सीखा। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आई होप आप सबको अंडरस्टैंड हुआ होगा, बहुत ही ईजी है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ या कोई लाइन, कोई वर्ड अगर समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।